नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल EBD पाठशाला पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत ही टेंशन रहता है कि क्या होगा, कैसे कट ऑफ आएगा, कितना जो है आपका कट ऑफ जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है ग्रुप डी का, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट, यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पहले ही लिख दिया है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जो है आपका 13 फरवरी को रिलीज कर दिया जाएगा। यानी देख सकते हैं 13 फरवरी को आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा। तो इसको लेके अब जो है बहुत ही 2 से 3 दिन बचा हुआ है रिजल्ट को आने में, तो बहुत सारे बच्चों के मन में टेंशन है कि कितना जाएगा कट ऑफ, कितना रहेगा कट ऑफ इसके ऊपर। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो है कितने कट ऑफ रहने की संभावना है, वो भी हम लोग देखेंगे कि एक वीडियो के नीचे, एक वीडियो मैंने डाला था ग्रुप डी से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स को शेयर किया। तो सबसे पहले मैं उस कमेंट के मार्क्स को आपको एक बार दिखा दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपको जो है ज़्यादातर बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद हम लोग ओवरऑल सारे जोन का कट ऑफ एक ही बार डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले उस वीडियो के कमेंट को देखते हैं कि जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स शेयर किए हैं, तो सबके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट, यानी देख सकते हैं 59, 46, ये सब ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं। देखिए 43, 45, 68, यहाँ पर देख सकते हैं 31, 35, 25, इस तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं। 60, 34, 27, यहाँ पर देख सकते हैं 29, 32, ऐसे ऐसे आपके जो है मार्क्स आ रहे हैं। मैंने बहुत कम ही मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों का आप मार्क्स देख सकते हैं, सारे आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इन सारे मार्क्सों को, ये आप सभी मार्क्स को देख सकते हैं, 58, 47, ये सब मार्क्स आए हैं, 45, ये सब आपके जो है मार्क्स आए हुए हैं। यानी ज़्यादातर बच्चों का जो है मार्क्स आपका 42, 55 के बीच में लाया कर रहा है ज़्यादातर बच्चों का। बहुत ही कम बच्चे, मन 2-3 हज़ार, 5 हज़ार बच्चों में से एक दो बच्चा होगा जिनका जो है आपका मार्क्स 60 एबव आया होगा। तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे अब 1 लाख में 20 बच्चा से ज़्यादा नहीं होगा, 20 से 30 बच्चा जिनका जो है आपका मार्क्स उतना ज़्यादा स्कोर कर पाए होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग 1,500 से 2,000 बच्चों का कमेंट है जिसमें एक बच्चा या फिर 1 से 2 बच्चा से ज़्यादा नहीं है जिनका जो है मार्क्स आपका 60 एबव आ रहा है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर बच्चों का जो है मार्क्स आपका 40-45 के बीच में लाया कर रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका जो है कट ऑफ इसी के बीच में रहने की संभावना है। तो चलिए हम लोग एक बार सभी जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सभी जोनों का एक्सपेक्टेड ओवरऑल कटअप की बात कर लें तो ओवरऑल यानी ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपका सभी जोनों का है। सभी जोन का रो मार्क्स मैं बताऊँगा कि सभी जोनों में, किसी भी जोन में आप हैं, आपको जो इतने मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बनते हैं। जैसे UR की बात कर लें तो UR यदि किसी भी जोन में आप बिलोंग्स करते हैं, किसी भी जोन से हैं, यदि 55 to 65 के आसपास, 55 to 60, 62 इन सब के आसपास आपका नंबर जो है बिलोंग्स कर रहा है तो आप जो है सेफ जोन में आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। 50, 55 मैं बोल रहा हूँ, उससे आपका 1-2 मार्क्स कम भी है तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो है 62 से एवं कट ऑफ आपका नहीं रहने वाला है। आपका जो है 52, 53 भी मार्क्स है तो आप UR में हैं तो आप जो है सेफ जोन में, आप किसी भी जोन में हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। आप इतना लिख के ले लो, आपका जो है 52-53 मार्क्स आया है और 62 के आस इन सब के बीच में आपका बिलोंग्स कर रहा है तो आपको UR में किसी भी जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं OBC का। तो OBC का जो है किसी भी जोन में यदि आप बिलोंग्स करते हैं तो 45-55 के बीच में, यानी 45-46-55 के आसपास नंबर आ रहे हैं, इनके बीच में यदि आपके मार्क्स लाए कर रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन कन्फर्म है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी जोन में आप हैं तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC और ST की बात कर लें तो SC ST के यदि 40+ मार्क्स ले आए हैं तो 40+ मार्क्स में उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपका चाहे वो किसी भी जोन में है। 16-17 जोन में से किसी भी जोन में यदि आप बिलोंग्स करते हैं तो SC ST में तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक सर्विसमैन और PH की बात कर लें तो किसी भी जोन में यदि 40 के आसपास भी वो स्कोर कर दिए हैं, 40, 40, 38, 32, 36 इन सब के बीच, यानी 36-40 के बीच यदि PH और एक सर्विसमैन स्कोर कर दिए हैं तो उनका जो है किसी भी जोन में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि UR का मैंने बताया 53-62, OBC का मैंने बताया 45-53-54, SC का मैंने बताया 42-45, और PH और एक सर्विसमैन का मैंने बताया
36 to 40। ये मैं आपको उस कमेंट के आधार पर, उस वीडियो के नीचे जितना भी कमेंट आया था, लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चों का कमेंट था, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, जिसमें सारे बच्चों का जो है मार्क्स 60 से नीचे ही था, यानी कि 55 के आसपास, 56 55, सारे बच्चे 30 25 इस तरीके से स्कोर था। तो दोस्तों उसी के आधार पर मैं ये आपका ओवरऑल सारे जोनों का कटअप बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपका जो रिजल्ट 13 फरवरी को आने वाला है, तो इंतजार करिए 13 फरवरी का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।